बांग्लादेशी एडल्ट स्टार रिया बर्डे से कनेक्शन की खबरों पर भड़के राज कुंद्रा बोले लीगल एक्शन लूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, बांग्लादेश जो बीते दिनों तख्तापलट की वजह से चर्चा में था, वहां की एडल्ट एक्ट्रेस रिया बर्डे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रिया पर आरोप है कि वो फर्जी तरीके से दस्तावेज बनवाकर भारत में रह रही है और वो मूल रूप से बांग्लादेश की है। ये भी सामने आया था कि एक्ट्रेस का कनेक्शन शिल्पा शेट्टी के बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा से भी है। राज की प्रोडक्शन कंपनी में काम कर चुकी है रिया बर्डे, इस तरह के भी दावे सामने आए। पर अब इन तमाम खबरों पर रिया बर्डे को लेकर राज कुंद्रा ने काफी कुछ भड़ास निकाली है और इन तमाम खबरों को बेबुनियाद बताया है। दरअसल राज कुंद्रा ने कहा कि मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है और सफाई पेश करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ये तमाम जो आरोप है ये बेबुनियाद है, इन्हें खारिज करते हुए गलत बताया है। साथ ही कहा कि इन गलत बातों ने उन्हें काफ़ी परेशान किया है। बता दें आपको कि राज आगे कहते हैं, ये निराधार दावे न केवल मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि सनसनी फैलाने और मीडिया में चर्चा के लिए मेरे नाम का गलत उपयोग करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैंने हमेशा अपना बिजनेस पूरी ईमानदारी से किया है और मैं ऐसे झूठे आरोपों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बता दें आपको, राज के वकील ने बताया कि वो इस मामले में लीगल एक्शन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो बोले, सोशल, डिजिटल और प्रिंट मीडिया में कुछ ऐसी खबरें हैं कि कुछ कथित अवैध अप्रवासी मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। फर्जी रिपोर्ट में कथित आरोपियों को मेरे क्लाइंट शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और राज कुंद्रा की प्रोडक्शन टीम से जोड़ा जा रहा है। ये भ्रम फैलाने वाला है, मेरे क्लाइंट को बदनाम करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया है। मेरे क्लाइंट का नाम इस कॉन्ट्रोवर्सी में बिना बात के घसीटने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर से ये एक गुप्त एजेंडा है जिसके साथ मेरे क्लाइंट का कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये दावे जो हैं, इन्हें पूरी तरीके से बेबुनियाद बता दिया है अब राज कुंद्रा के वकील ने, और साफ तौर पर कह दिया है कि वो इस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो लीगल एक्शन लेंगे। ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये राज कुंद्रा और उनके वकील द्वारा इस पूरी कंट्रोवर्सी पर बोली गई है। इतना ही नहीं, राज कुंद्रा और उनके वकील द्वारा ये भी कहा गया है कि जो मीडिया हाउस इस तरह की खबरें चला रहे हैं उनके खिलाफ भी वो मानहानि का मुकदमा चलाएंगे। बता दें, रिया बर्डे एडल्ट इंडस्ट्री में आरोही बर्डे के नाम से मशहूर है। उसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट बनवाने के आरोप में हिल लाइन पुलिस ने 26 सितंबर को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ भारतीय आईपीसी की धारा 420, 465, 468, 469, 34 और 14A के तहत मामला दर्ज है। और अब इस पूरे मामले पर राज कुंद्रा ने चुप्पी तोड़ते हुए इन तमाम आरोपों को भी बेबुनियाद बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही।